हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की मेहनत की बदौलत एक और उपलब्धि विश्वविद्यालय ने अपने नाम कर ली है। अब वैज्ञानिकों ने गेहूं की WH-1270 उन्नत किस्म विकसित की है। यह वैज्ञानिकों की मेहनत का ही परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत ही छोटा है, जबकि देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण में प्रदेश का कुल भंडारण का 16% हिस्सा है और फसल उत्पादन में अग्रणी प्रदेशों में है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक गेहूं की नई किस्म WH-1270 इस बार विकसित की गई है। ये किस्म अगेती बिजाई के लिए है और ये जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तर भारत के, उनके लिए ये विकसित की गई है। जैसे ये मैदानी इलाकों का मैंने नाम लिया, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कोटा और उदयपुर को छोड़ के, और उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर के कठुआ और उन्नाव जिला और उत्तराखंड शामिल, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी सारा इसमें आता है, केवल उसमें झांसी का इलाका छोड़ना है। देखिए, ये किस्म एक बहुत ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म है। जो पहले विकसित किस्म की गई हैं उनसे 4 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार ज़्यादा मिलती है, और इसकी औसत पैदावार 75.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हम 91.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। यह एक बहुत ही उच्च क्वालिटी की किस्म है और ये मतलब चपाती मेकिंग के लिए इसका इंडेक्स भी 7.66 है, और दूसरा इसका हाई मतलब वो एक पैरामीटर होता है तो वो भी इसका प्रोटीन भी इसकी 12.4% है। खाने का स्वाद इसका जो सी कि हम कहते हैं कि बढ़िया रोटी बननी चाहिए, बढ़िया टेस्ट आना चाहिए, जो भी वैरायटी हमारी निकलती है तो उन जैसा ही इसका स्वाद है। वैरायटी को निकालने में लगभग 10-12 साल लग चुके हैं और ये साइंटिस्टों ने बहुत ही मेहनत करके ये वैरायटी ऐसी निकाली है। देखिए, इस वैरायटी की एक और खास बात ये है कि ये जो इसमें मुख्यतः रोग लगते हैं, पीला रतुआ और भूरा रतुआ, उनके प्रति भी ये रोगरोधी है, और दूसरी बीमारी जैसे कि समट, एक खुली किंगियारी जिसको बोलते हैं, और एक सफ़ेद चूर्णी, तो उनके प्रति भी ये रोगरोधी पाई गई है। और ये इस किस्म को आने से किसान की आमदनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी, बीमारियाँ इसमें कम लगेंगी, और ये किस्म तकरीबन 156 दिन में तैयार होती है, इसलिए इसको हम अगेती बिजाई के लिए ही रिकमेंड करते हैं ताकि अक्टूबर के लास्ट वीक में इसकी बिजाई कर सके। और इसके लिए हमें पूरा जितना भी हम सिफारिश करते हैं यूनिवर्सिटी खाद व पानी, वो किसान को देनी पड़ेगी। इसकी पैदावार उनके मुकाबले से 4 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ज़्यादा पैदावार इसमें वैरायटी में मिलती है। और इसमें एक और है, इसमें हम ये गिरती भी कम है। मैं उनके लिए कहना यही चाहूँगा कि वैज्ञानिक दिन रात काम करते हैं किस्म निकालने के लिए, और ये विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी टीम एक ऐसे डेडिकेटेड साइंटिस्टों से वीट की काम कर रही है, और मैं उनको यही कहना बधाई देना चाहूँगा सारी टीम को, और यही कहना चाहूँगा कि आगे भी भविष्य में भी निरंतर वो प्रयास अपने जारी रखें ताकि इस विश्वविद्यालय का नाम हो और किसानों को फायदा हो, उनकी आमदनी बढ़े। किस्म का हम अगले साल इसका बीज उपलब्ध करा पाएंगे और इसको फिर सीड चेन में हम इसको रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी इसका सीड उपलब्ध होगा सारा उसका बीज बने उत्तम क्वालिटी का, और वो फिर आगे किसानों को जाएगा, और वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है उसके लिए भी काम करेंगे, दूसरे एजेंसी भी उसके लिए, भारत सरकार की या दूसरे है, वो भी उसके लिए इस कोई प्रसार प्रसार के लिए सारी एजेंसी काम करेगी ताकि जल्दी से जल्दी ये किसानों तक वैरायटी पहुंच सके। ये जो हमारा जेंटिसन प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आता है गेहूं व जौ अनुभाग, उस विभाग ने ये वैरायटी विकसित की है।